यूट्यूब ऐप पर घंटी बजाओ और खबरें अभी तक की हर खबर की अपडेट पाओ। तो बिजनौर शहर के सिमली इलाके में एक बच्ची के परिजनों ने पड़ोस में रहने वाले युवक पर बच्ची का बलात्कार करने का आरोप लगाते हुए उसकी जमकर पिटाई की। बच्ची के परिजनों ने युवक को पकड़कर सरेआम सड़क पर उसकी जूते और चप्पलों से जमकर पिटाई की। पिटाई के बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी सोनू को भी पुलिस के हवाले कर दिया। बच्ची के परिजनों की माने तो आरोपी उनकी 4 साल की मासूम को बहलाकर सुनसान इलाके में ले गया और वहां पर उसने उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। सोमवार को जब आरोपी बच्ची के परिजनों के सामने आया तो उन्होंने उसकी जमकर पिटाई कर डाली। इस मामले को लेकर एसपी सिटी दिनेश सिंह का कहना है कि फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, जांच के बाद जो भी सामने आएगा उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो घर से ले गया जी चिज्जी के बांधने से, घर से बांधने से ले जाओ चिज्जी के। और तो जी इनने बलात्कार करा, एक लड़की ने बताया नंगी कर बलात्कार करा इनने, तो मैं गई जी मैंने इसको एक दो मारे तो ये भाग गया। तो आज कहाँ मिला आपको ये? बिजनौर मिला जी होटल को। तो आपने क्या करा, पुलिस को सौंप दी? पुलिस को सौंप दिया जी। ये अभी मैंने जानकारी की, ये 30 तारीख की घटना बताई जा रही है मारपीट की, जिस संदर्भ में 1 तारीख को मंडावर थाने में क्राइम नंबर 151/17/18 पंजीकृत है, जिसमें यह आरोप लगाया गया कि अभियुक्त ने उनके घर में घुसकर उनकी पत्नी से गाली गलौज और मारपीट की, जिसमें कि सोनू सनफ लाले आरओ सिमली कला के विरुद्ध अंतर्गत धारा 452, 323, 504 अपराध पंजीकृत है। विवेचना के दौरान जो भी प्रकाश में आएंगे उस संदर्भ में धाराओं के विपरीत करके पुरदोष का तहत विवेचना अपना कार्रवाई की जाएगी।